आज की हमारी रेसिपी है फिश मसाला। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सबसे पहले हम एक कटोरी में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 750 ग्राम फिश को उस मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। प्लीज इसका ध्यान रखें कि सारे फिश के पीसेस मसाले में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। फिश के कोट होने के बाद इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दें मैरिनेट होने के लिए और एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लें। सरसों के तेल में चॉप्ड जिंजर डालकर उसको 1-2 मिनट के लिए भूनें और उसमें हमारी मैरिनेटेड फिश को डालकर अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स कर लें। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि फिश बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है, तो इसको बहुत आराम से और धीरे धीरे मिक्स करें। पहले हम फिश को अनकवर्ड 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसको ढक्कन लगा के हम 7-8 मिनट पकाएंगे। फिर हम इसका ढक्कन हटाकर एक बार इसको दोबारा मिक्स कर देंगे और हमारी फिश रेडी है। आई होप यू लाइक द रेसिपी। इट वॉज सुपर सिंपल एंड सुपर ईजी टू मेक। सो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड बाय बाय फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।